विनर सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीतेगा, साथ में विनर पर धन की बारिश होगी। और कितने धन की बारिश? 1 लाख? 2 लाख? नहीं, 10? नहीं, 20 भी नहीं, पूरे 25 लाख की बारिश। Shall we begin? Yes, let's start. We're all excited. Yes. Please take your seats. Thank you. आज लाकर का धमाका करने आ रहे हैं रजत सूद फ्रॉम दिल्ली, गणेशा भारती फ्रॉम प्रयागराज यूपी, विघ्नेश पांडे फ्रॉम मुंबई, Himanshu Bhavandar from Ujjain MP. एक बार आपने हरियाणवी सुन ली ना, तो आप उसका मजा बार बार लेना चाहते हैं। और हमारे सरपंच हरियाणवी ह्यूमर के किंग हैं। तो चलिए उनका फिर एक बार स्वागत करते हैं। प्लीज वेलकम पोएट, सटायरिस्ट, परफॉर्मर और एंटरटेनर अरुण जेमिनी। अरे जेमिनी साहब, ये मतलब अच्छे दिख रहे हैं। शुक्रिया, बहुत 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 अच्छे दिख रहे हैं। आप तो खैर हमेशा ही अच्छे लगते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो इन्हें बधाई देता हूँ, ये सेमीफाइनल में पहुँच गए। धन्यवाद। रोशन, आहा, ये हिंदी भी ऐसे बोलती है जैसे अंग्रेजी बोल रही है। हिंदी इसके मुंह से धन्य हो जाती है, सही बता रहा हूँ। और हम तो हरियाणा के जी, हम तो अंग्रेजी भी ऐसे बोलते हैं, उसका भी हरियाणवीकरण कर देते हैं। हरियाणवीकरण? हाँ, हम अंग्रेजी ऐसे बोलते हैं, बोले हाउ डू यू डू रे, तो रे लगाते ही काम हो लेता है। वो एक ने एक से कहा हाउ डू डू रे, दूसरा बोला फाइन सूम, एक बोला बड़ी भारीनेस सी फील कर रहा हूँ। तो ये भारीनेस क्या होती है? बोला हैवीपन। हरियाणा के आदमी की अंग्रेजी ऐसी होती है जी। वो दो बुजुर्ग बैठे थे, एक अंग्रेज आया पता पूछने, उसने अंग्रेजी में पता पूछा, अगले को कहाँ अंग्रेजी आवे, उसने फ्रेंच में पूछा, अब जिसे अंग्रेजी नहीं आ रही उसे फ्रेंच कहाँ से आई, फिर उसने इटालियन में पूछा, फिर रशियन में पूछा, बेचारा थक हार के चला गया। तो एक ने दूसरे से कही, बोले कुछ भी हो यार, एक विदेशी भाषा आनी बहुत जरूरी है, वक्त बे वक्त काम आती है। बोले उसने चार आवे थी, कोई काम आई। ये जो हरियाणवी पॉइंट ऑफ व्यू है ना, हर चीज देखने का मजेदार। नहीं, फिर भी हम पता बता देते हैं, ऐसी बात नहीं है। आजकल के बच्चे तो थोड़े पढ़े लिख गए ना। हाँ। तो एक ना अंग्रेजी ने पूछा एक लड़के से, हाँ, पता अंग्रेजी में, तो उसने जवाब दे दिया साहब। हाँ। बोले गो स्ट्रेट एंड आस्क अगेन। वो हरियाणा के एक बस कंडक्टर का ब्याह हुआ, तो पहली रात को जो कमरे में पहुंचा, तो पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से जो उसका पहला संवाद था, हाँ, वो उसके प्रेम प्रदर्शन का चरमोत्कर्ष था। अच्छा। पलंग पे बैठी हुई दुल्हन से बोला, बोला एक तरफ से रख ले, एक सवारी और बैठेगी। वो आदत पड़ जाती है। जी, वो एक अफसर की पत्नी को मायके जाना था, बोले मायके जाना है, बोले ऐसे नहीं, एप्लीकेशन लिखो। अच्छा। उसने एप्लीकेशन लिख के दी, तो अगले ने उस पे ये लिखा, जब तक वैकल्पिक व्यवस्था ना हो तब तक पद पर बने रहो। तो ये आदत पड़ जाती है। जी। वो एक की शादी हो रही थी, आप जानते हैं जब फेरे होते हैं तो चार फेरे में लड़का आगे रहता है, फिर तीन फेरे में लड़की आगे रहती है। हाँ, और फिर आगे ही रहती है। हाँ, आगे ही रहती है। तो चार फेरे हो गए, तो पंडित ने कहा जो है लड़की आगे रहेगी। वो लड़की आगे चली, लड़के ने फौरन क्रॉस कर गए उसके आगे, जैसी फिर आगे चली वो फिर आगे। बोले अजीब आदमी है, इतनी देर से समझा रहा हूँ इसे। बोले दरअसल कसूर इसका नहीं है, ये रोडवेज में ड्राइवर है। ओवरटेकन नहीं किया। ओवरटेकन नहीं किया। आदत में मुझे पिताजी की कविता याद आ गई। एक अध्यापक की हुई शादी, सुहाग रात को अपनी आदत के अनुसार प्रश्ना की झड़ी लगा दी। बोला तेरा नाम? चंपा से या चमेली? कौन कौन सी थी तेरी सहेली? अपनी और अपनी सहेलियां की सही सही उम्र बता। तेने मैनर सामने से के नहीं, पलंग पे सीधी खड़ी हो जा। तेरे कितने भाई बहन, उनके नाम बता। तेरा बाप महीने में कितना कमावे से उसका काम बता। जन्म से लेके आज तक देखी हुई फिल्मों के नाम बता।
अच्छा। और कौन सी फिल्म किसके साथ देखी, जोड़े बना। अपने घर का भूगोल समझा और परिवार का संक्षेप में इतिहास बता। सुनकर ये ढेर सावर सवाल बेचारी दुल्हन का हो गया बुरा हाल। तो उसकी कमर थपथपाते हुए उसे हौसला देते हुए बोला, घबरा मत, हिम्मत तक काम ले, इन्हीं 5 प्रश्न के उत्तर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे जेमिनी साहब, मिलते हैं आज इनसे। इन दोनों को काउंसलिंग की सख्त जरूरत है, हमेशा झगड़ा करते हैं। आ रही है ड्रामेबाज एना और बेचारा विघ्नेश पांडे फ्रॉम मुंबई। तू मेरा टैलेंट क्लियर करने जा रही हूँ, इधर से नहीं, स्टेज से नहीं आ रही। नहीं जा रही हूँ। अरे कहाँ जा रही है, रुक जा ना यार, थोड़ी देर रुक जा। नहीं नहीं जा रही हूँ इधर से, देर को नहीं रुकना। शेखर सर रोक लो आपकी ऐना को। ऐना रुक जाओ ना। शेखू हाँ जी, आपने दाढ़ी छोटी की है ना। हाँ थोड़ी। आपने सब नोटिस कर लिया। अर्चना जी। यस ऐना। आपने तो दाढ़ी छोटी की है। तुम माइन्यूटेस्ट डिटेल नोटिस करती हो, आप पता चला मुझे। चलो अभी तो एक्ट नहीं, अभी मैं घर से जा रही हूँ। अरे ऐसे नहीं, सुरेंद्र भैया बचाओ। नहीं नहीं नहीं, बचाएगा तू। हाय हाय भापे, तेरे को तेरे गले में लटके हुए तदलों की कसम। गले में लटके हुए। ये क्या हो गया तुझे है ना। स्टारडम, स्टारडम मुझे लोग पहचानने लग गए, मेरे साथ सेल्फीज ले रहे, मेरा ऑटोग्राफ ले रहे। तेरे को तो गली का कुत्ता नहीं पहचानता। एना कितने बेशुमार फैन के बाद मैं तेरे साथ काम करूंगी। तू कहना क्या चाहती है कि तू पैसा निकाल और हाथ भी निकाल। मेरे को बड़े बड़े लोगों के ऑफर आ रहे हैं। बड़े बड़े लोग। हाँ मैं निका के साथ एक फिल्म कर रही हूँ। निका के साथ कौन सी फिल्म है ना। एना निका। और उस फिल्म का एक सीन देखोगे ना तो तुम्हारा सर चकरा जाएगा। अच्छा कौन सा सीन। एना सीन। निकल इधर से। मैं क्यों आ सॉरी, मैं निकल इधर से। एक मिनट, ये नए नए कलाकारों को क्या हो जाता है यार, ये आजकल के थोड़ा सा फेमस हो गए तो इतने चौड़े हो जाते हैं कि अरे मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, अपनों को ये भाव देना बंद कर देते हैं यार। एक काम कर, तेरे को नहीं करना है ना मेरे साथ काम, मत कर, तू जा इधर से। मैं जा रही हूँ। अच्छा मैं सच नहीं जा रही हूँ। हाँ जा जा। रोक मत मेरे को। नहीं रोकूंगा। क्यों क्यों। नहीं नहीं रोक मत मेरे को, मैं जा रही हूँ। हाँ जा 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 जा। पहले देख के जाऊंगी कि तू मेरे सिवा करेगा क्या। ठीक है मैं तुम्हारे बिना काम चला लूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे कुछ नहीं कर सकता है, स्टेज पे खड़ा रहेगा थोड़ी देर और फिर बोलेगा थैंक यू गाइस दैट्स माय टाइम। इतना ही आता है इसको, इससे कुछ नहीं हो सकता है। क्यों सुरेंद्र, इसका कुछ है ही नहीं ऐसा कुछ। सुनोगे मेरी बात क्योंकि ये है मंकी बात। अरे अंकल जी आप यहाँ। अंकल जी। अंकल जी तेरा दांत है ना। अरे बाप। ए तुम इन सबको बताओ तुम कौन हो। नाचू तो जितेंद्र, मारू तो धर्मेंद्र, रोऊ तो राजेंद्र। हेलो माई सेल्फ बंदर। तो तुम बंदर। हाँ
तुम्हारे पापा का नाम? दड़ा बंदर। बड़ा बंदर। अच्छा, और मम्मी का नाम? डॉल्फिन। डॉल्फिन। अकल नहीं है क्या तुमको? जब दांत दंदर है तो नात ही दंदरिया ही होगी ना। Yes, 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 yes. I hate him, but he's right. यार तेरी तो लग गई। ये है ना तेरे हाथ में क्या लटक रहे? हाँ वो मेरा हाथ टूटा था, डॉक्टर ने रॉड डाला है। अच्छा बंदर, वैसे तुमको इतना बाल बाल है, तुम क्या शेविंग या फिर ऐसा ट्रिमिंग वगैरह नहीं करते हो क्या? मैं एक बार शेविंग करके गया था, सिग्नल पे खड़ा हो गया था तो पीछे लाल बत्ती समझ के ट्रैफिक जाम हो गया। और फिर ट्रैफिक पुलिस वाले ने मेरा लाल बत्ती तोड़ दिया। हम तुम्हारे फोर फादर हैं। तो बाकी तीन किधर है? नहीं 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 नहीं, वो कह रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज हैं। हाँ, हम तुम्हारे पूर्वज और राधेशान हमारे पूर्वज। देखा, तू जा ना इधर से, तू जा, तेरी कोई जरूरत नहीं है। हाँ तू जा इधर से, मैं जोक सुनाता हूँ, एक तुम लोग टेंशन मत लो। कौन सा जोक सुनाओगे? एक हाथी और एक चींटी। अरे ये हाथी चींटी के जोक सुना रहे? मैं बंदर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं ऐसे जोक सुना सकता हूँ, ऐसे भी जोक सुना सकता हूँ। अरे जोक क्या, मैं एक्सरसाइज कर लूंगा एक के दिखने तक। 1, 2, 3, 70, 60, 110। ये भाई एब्स बन जाएंगे। तू जोक सुना ना। हाँ, तो एक बार चींटी निसिस हाथी को कहती है कि अपने मर्द को संभाल के रखो, रोज छेड़ता है मुझे। हाय हाय। वरना हमारे घर में भी मर्द है, खून की नदियां बह जाएंगी। अरे यार ये तो बड़ा खतरनाक है, बहुत ही येड़ा है। हाँ मैं येड़ा ही हूँ, मैं रजत थोड़ी हूँ। रजत, रजत सूद। हाँ, ये वही है ना जो तोनेड़ी 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 द्रेकत 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 करके रोते रहता है। हाँ। शेखर जी। हाँ जी। हमको इतनी दंदरिया छोड़ के चली गई। हाँ। हम तोनेड़ी वानेड़ी नहीं करते, हम दूसरी दंदरिया को लटक लेते हैं डायरेक्ट। बड़ा ढीठ बंदर है। ढीठ क्या, चार दिन के बाद पता चलता है कि वो सेम दंदरिया जो हमको छोड़ के चली गई। ये मेरे को सच में टेंशन दे रहे हैं। अच्छी बात है, तुम्हें ये, तुम बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हो ना, तुम जाओ ना अभी इधर से। मैं कहाँ, तुम कहाँ। हाँ वो तो सही है। ए, ए, तुमको बहुत ज्यादा नस्ती चढ़ी है करे। पांडे दिखने आए इसलिए बच गया तूने, तो तेरा खोतड़ी तोड़ देती ने। वो छोड़ो, सुनो, तुम अभी एक मिनट चुप रहो। बंदर सुनो, तुम इतने टाइम से थे अंदर। ओहो वाह। तो तुम कुछ खाओगे पियोगे? हम इंसानों से कुछ नहीं खाते। क्यों? क्यों? अरे हमको हमेशा मूंगफली डाल के चले जाते हैं। है? एक दिन हमने कहा हम मूंगफली नहीं खाएंगे। है? केला पकड़ा के चले गए। केला पकड़ा दिया उसका। ठीक है ठीक है। हर बार तू जाए इधर से। तू जाए इधर से। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगा। ये कौन जा रहा है? तू ना जा। एक एक मिनट। तुम एक काम करो, तुम अभी यहाँ पर आए हो ना, तो सबको पहले मिल लो। प्रणाम। टार्जन मूवी देखे हो? कुछ दिन तो गुजारो जंगल ने। सॉरी 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 सॉरी। क्या ये सब फालतूगिरी, इधर मत करो। मैं दंदर हूँ, मेरा चलता है। शेखर भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। अर्चना भैया प्रणाम। अरे भैया नहीं है वो। ओ सॉरी 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 सॉरी। अर्चना दादू जी प्रणाम। तेरे को ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या? तेरे को ज्यादा समझ नहीं आ रहा क्या? बंदर की औलाद रुई की पैदाइश। रुई की पैदाइश।
इतना नहीं बोल सकते हैं तू, तेरे को लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है? उसको तंदरों से बात करने की तमीज नहीं है। निकल इधर से, तू निकल इधर से। मैं क्यों निकलूं? मैं क्यों निकलूं? मैं नहीं निकलूंगी। मैं नहीं निकलूं। ए, एक मिनट यार, ये दोनों तो मेरे से भी ऊपर उठ गए। तो तू नीचे से निकल जा। वेरी नाइस, वेरी नाइस, अमेजिंग। शेखर जी, हां जी, अर्चना जी, हां जी, आप लोग भी निकल जाओ। क्यों बे, हम दोनों शो जज कर लेंगे। एक बंदर और एक पापी गुड़िया कभी शो जज नहीं कर सकते। शो के शुरुआत से तो कर ही रहे हैं। जोक चुराती है मेरा हरान खोर। तुम लोग एक मिनट यार, तुम लोग झगड़ा मत करो। आंडे इसको इधर से निकाल। आंडे तू इसको इधर से निकाल। तू जा इधर से। तू जा इधर से। नहीं की जाओ, नहीं की जाओ। नकल मत कर, तू नकल मत कर। ये नकलची बंदर है। ए, ये नकलची बंदर है। तांडे नहीं जा रही हूँ यहाँ से। तांडे नहीं जा रहा हूँ यहाँ से। नहीं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं जाऊंगा। नहीं तो एक नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं तो एक नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं। तूने इसकी आवाज कैसे निकाली? अच्छे से नकल कर लेता हूँ। नहीं जा रही हूँ देखने। नहीं जा रहा हूँ देखने। नहीं जा रही हूँ। अरे नहीं जा रहा हूँ। क्या तेरी तो तेरे डॉल्फिन की आँख। वाह 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 वाह, कितना फैलू तंदर था रे। तो तुमने आज क्या सीखा? मैंने ये सीखा कि धन दौलत शोहरत गाड़ी दंगला पैसा ये तो आता जाता रहता है, मगर हमारे पुराने दोस्तों को कभी नहीं धोलना चाहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। Vignesh, that was an unbelievable performance. And Anna, I am falling in love with you hopelessly. Yeah. Vignesh, आज जो तुमने कमाल दिखाया, you know the best part of your craft is they all come alive. मुझे तो ऐसा लग रहा है कभी भी वो कूद के निकल आएगा. और now I see her as a character. जो मैं इसको देखता हूँ Anna को, I feel she is a living character. Anna, that's for you. Big round of applause for both of them, Anna. And you didn't name the monkey, thank but you. This was a mesmerizing performance. Thank you so much. मैं हमेशा से कहती हूँ कि दो जनों की कॉमेडी करना बहुत मुश्किल है, एक ही बंदे को. आज you have taken it to some next level. आप तीन जनों की कॉमेडी, उसकी टाइमिंग, उसके पॉजेस और आपकी फिजिकल प्रावेस है जो ये कर रही है. एक हाथ से मुंह बिना चलाए दिखाए आप एना का डायलॉग बोल रहे हैं, फिर आप बंदर का भी डायलॉग बोल रहे हैं, खुद के भी डायलॉग बोल रहे हैं. एंड थैंक यू. एंड द एटीट्यूड एना हैड, मैंने सोचा कमाल है, वो बंदर डबल एटीट्यूड लेके आया. एना, एना इधर आ जाओ. आई 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 आई. अच्छा, एक हाई फाइव. हाई फाइव, हाई फाइव. क्यों? क्योंकि वो बंदर को बंद कर दिया आपने. क्या कमाल रोशेल, बंदर को बंद कर दिया. वाओ, फैंटास्टिक. यू आर लर्निंग द आर्ट नाउ. कमाल विग्नेश, आप कॉमेडी की होप हो, लाफ्टर की तोप हो. Thank you so much. Thank you, thank you. Woo! Thank you, thank you. इस कॉमेडियन को माइक की जरूरत नहीं है क्योंकि इनकी आवाज दमदार है और कॉमेडी भी. हम इन्हें उज्जैन एक्सप्रेस कहते हैं और ये एक ही ट्रैक पे चलती है, द लाफ्टर ट्रैक. Ladies and gentlemen, give it up for Himanshu Bhavandar from Ujjain, MP. तो मित्रों, मैं आज की शबे
साल में माहो अंजुम के बीच तमाम आकर बे जवान अफला के मुअल्लिम हाजरीनों का तहे दिल से इस्तकबाल करता है। देखिए सर, ये खासियत है, समझ में किसी के नहीं आया लेकिन वाह वाह कर रहे हैं। मैं बोलने वाली थी, समझ में नहीं आया। अर्चना मैम, इसमें आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, क्यों? भारत में वो चीज बहुत चलती जो किसी के समझ में नहीं आती। राधा श्याम जी, हमारे देश की राजनीति 47 से चल रही है, आज तक किसी को समझ में नहीं आई। और यहाँ बेटा हर व्यक्ति गवाह इतिहास उठा करके देख लीजिए, वाई दिस कोलावेरी डी से लगा के आमी काचे ले लो तो तक कच्चा बादाम। किसी के समझ नहीं आया, किसी के बाप के समझ में नहीं आया, लेकिन चल बहुत रहा है। एक प्रश्न सुनकर दिमाग खराब हो गया सारा का सारा। हाँ। क्या कालजयी प्रश्न था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और विघ्नेश भाई, दिक्कत लॉकडाउन में बहुत बड़ी, एक समस्या थी खड़ी, एक प्रश्न इतना बड़ा था, बताइए इस कलेश में, इस भसड़ में और इस रोड़े में कौन था? आप ही बता दीजिए अर्चना जी, रसोड़े में कौन था? बहुत बड़ा प्रश्न है यार, रसोड़े में कौन था? दोस्तों को बात बात पर जबरदस्ती डांटना, बाथरूम में बेसुरा गाना, खाना खाके पर्दे में हाथ पोछना, बिना सोचे बोलना, पत्नी को जबरदस्ती जगाना जब खुद को नहीं आ रही हो निंदिया। शेखर जी, देर आर फ्यू थिंग्स दैट हैपन ओनली इन इंडिया। मतलब दूसरे देश के लोग बाग नसीहत देते हैं, बोले मेहनत करा कर बेटा एक दिन कामयाब बन जाएगा, और हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, गुरु तुम्हारे दोनों दांतों के बीच में गैप है, पैसे वाले बनोगे। पूरी दुनिया से अंग्रेज आते हैं आगरा ताजमहल देखने, हम जाते हैं अंग्रेजों की लुगाइयां देखने। मेंटलिटी हमारी कभी जाएगी नहीं। अब अगर ये है ना इतनी संपन्न हो जाए कि हेलीकॉप्टर से सब्जी खरीदने जाए तो भी धनिया फ्री में ही मांगेगी। दूसरा, आप राधे श्याम भारती जी को देखिए, कैसे बन ठन के बैठे हैं शेखर बाबू। राधे जी का वक्त आने दो, बताएंगे। समझ में नहीं आता क्या हो रहा है इस देश में, जिस दिन घर की सफाई करते हैं शाम को आंधी आ जाती है, जिस दिन नहीं करते मेहमान आ जाते हैं। तो इस देश में कमाल ही होता है भाई है? देखो आप जरा सी हवा से उड़ जाए और नाम बवंडर। सरपंच महोदय, गजल में हर्फ का और नुक्ते का बहुत ज्यादा महत्व होता है। आप कितनी बड़ी बहर की गजल लिख लीजिए, नुक्ता तो यही लगेगा। तो मुझसे इन्होंने पूछ लिया, विघ्नेश भाई ने, बोले हिमांशु स्वार्थ क्या होता है? मैंने कहा देखो मैं विदेश तो नहीं गया लेकिन अपने देश का बताता हूँ कि स्वार्थ क्या होता है। अर्चना जी, जब अपना बच्चा रोता है ना तो दिल में दर्द होता है, और दूसरे का रोता है तो सिर में दर्द होता है। जब अपनी बीवी रोती है तो सिर में दर्द होता है। और दूसरे की? महोदया, आपके पड़ोसी की स्माइल देख के आपको समझ में आ जाएगा कि दूसरे की बीवी रोती है तो कहाँ दर्द होता है। सर कहाँ से चले थे हम, कहाँ आकर के रुक गए? पहले फिल्टर पानी साफ करने के काम आता था, आजकल चेहरे साफ करने के काम आया। Very nice. लेकिन हम किसी भी मस्ती में रहे, किसी भी दुख में रहे, हंसी के फव्वारे छूट जाते हैं। हम अगर रिश्वत लेते हुए पकड़े गए तो रिश्वत दे के छूट जाते हैं। सर, जो आशिक अपने घर वालों के डर से अपनी प्रेमिका से बाथरूम में बैठ के बात कर रहा है और फोन पे क्या बोल रहा है, जाने मन जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुमको किस बात का डर। तो सर आप देखिए, इंग्लैंड में होती इंग्लिश किस, फ्रांस में होती फ्रेंच किस, और हमारे यहाँ होती जल्दी जल्दी कर लो नहीं तो कोई देख लेगा। अनुभवी बयान है ये। अनुभवी, मतलब अनुभव सिर्फ देखने का ही है मैडम। अच्छा।
हाँ। करने का बिल्कुल नहीं नहीं अब करोगे, टर्टल नेक पहन लिया है ना, अब करोगे सर टर्टल को भी जब डर लगता है ना तो मुझे अंदर कर लेना तो अंदर करके कर लेना पता है अर्चना जी, अनुभव भी लोगों का ऐसा अनुभव लेकर प्रैक्टिकल करो ना तो फिर एक ब्रह्म वाक्य गूंजता है कि एक्सपीरियंस इज ओनली नेम गिवन बाय मैन टू हिज मिस्टेक्स। और ये जितने नवयुवक बैठे हुए हैं या नवयुवतियां बैठी हुई है इनसे एक बात कहना चाहता हूँ कि मोहब्बत करो तो सांवले रंग से करना गुरु, क्योंकि गोरे तो आजादी के पहले से ही बेवफा है। मैंने कहा तुम आज फॉर्म में हो। और सर ये जो हम 135 करोड़ हुए ना ये ऐसे ही नहीं हुए, आप ऑब्जर्वेशन देखिए विदेश में अर्चना जी जैसे ही बारिश होती है गपशप होती है, स्नैक्स परोसे जाते हैं, प्लीजेंट म्यूजिक बजता है, वो कमर में हाथ रख के करने वाला डांस और इसके बाद कई रोमांस। भारत में बारिश हो 5 मिनट में लाइट चली जाती है। शेखर सर म्यूजिक गया तेल लेने, उल्टा मोमबत्ती ढूंढने के चक्कर में बर्तन गिर के बजने लगते हैं। घर के बाहर कीचड़ हो रहा होता है, घर के अंदर मच्छर काट रहे होते हैं, लेकिन मजा ले भारतीय आदमी के रोमांस में 1 मिनट की कमी आ जाए। हमारे भारत में तो ठंड का मतलब भी यही होता है कि दिन छोटे और परिवार बड़े। दिन छोटे परिवार बड़े। और धन्य है ये महिलाएं। क्यों? आप लोग जादूगरनियां होती हो यार। क्यों क्यों? बिल्कुल, बाजार जाती हो तो पहनने के लिए कपड़े नहीं होते और घर में कपड़े रखने के लिए जगह नहीं होती। बहुत अच्छे, बहुत खूब। ये भारत की महिला है सरपंच महोदय, पति से 5,000 रुपए लेती है, 6,000 का हिसाब देती है और 2,000 बचा भी लेती है। क्या बात है यार, जिंदाबाद, बहुत अच्छा। सर देखिए आप जब मायके में होती है तो रानी होती है, ससुराल में आती है तो उसको लक्ष्मी का दर्जा दे करके लेके आते हैं, और गृहस्थी और बच्चों के चक्कर में उलझ कर वो बाई तक बन जाती है, इस प्रकार वो रानी लक्ष्मी बाई बन जाती है। यार कहां कहां से ला रहे हो। और अपने पति को अंग्रेज समझ के उस पर धावा बोल देती है और वो बेचारा अंग्रेज ना होते हुए भी अंग्रेजी लेने लगता है। जिंदाबाद। और सर वो बेचारा रात को यही सोचता है, 2 पैग पी के 10 बजे तक घर चला जाऊंगा, बाद में पैग 10 हो जाते हैं और वो बेचारा 2 बजे तक भी घर नहीं पहुंच पाता। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह भाई वाह। बवंडर आज ये यकीन हो गया और ये नाम जो है तुम्हारा जस्टिफाई हो गया, जो है पूरी तरह से तुम पे ही चरितार्थ होता है और तुमने उसको बहुत बढ़िया से जस्टिफाई कर दिया और आज तुम वाकई एक बवंडर हो। बहुत आपने बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने एक इतना बेहतरीन, इतना वेल रिटन, वेल डिलीवर्ड एक्ट हमारे सामने पेश किया है। यू आर अ powerful package. Thank you. Yeah. And I loved it. हम खड़े होते हैं। भवंडर जी आप कॉमेडी के होप और लाफ्टर की टॉप हो। इनका भी दिल बहुत बार टूटा है, बार बार टूटा है, हर बार टूटा है, लेकिन ये फिर भी दिल लगाना नहीं छोड़ते। पोएट्री और ह्यूमर के मलम से अपना दिल जोड़ लेते हैं। प्लीज वेलकम द कॉमेडी किंग रजत सूद। नमस्ते। नमस्ते, 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 आदाब, आदाब, सत श्री अकाल। अरुण सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर आप दिल्ली से हैं?
बिल्कुल, मैं भी दिल्ली से ही हूँ, तो मैंने एक चीज नोटिस की कि दिल्ली में कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहा। जैसे मैंने अभी एक ऑटो वाले से पूछा, मैंने कहा भैया पुरानी दिल्ली छोड़ दोगे? कह रहा हम क्यों छोड़े, हमारा पुश्तैनी मकान है वहां पर, बाहर निकल जाएंगे किराया तुम्हारा बाप देगा। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मेरे कहने का मतलब मुझे छोड़ दोगे? कह रहा तुमसे हमारा रिश्ता ही क्या है, जाओ छोड़ दिया। विघ्नेश भाई आपकी जिंदगी में ऐना वही किरदार निभा रही है जो मेरी जिंदगी में मेरी गर्लफ्रेंड निभा रही थी। क्योंकि ऐना भी इनकी बेइज्जती ही कर रही है और ये उस बेइज्जती से पैसा कमा रहे हैं। शेखर सर मुझे बस फक्र इस बात पर है कि हमने कम से कम इंसान से बेइज्जती करवाई है। ये बच्चों के खिलौने से ही करवाए जा रहे हैं। पर आपने एक चीज देखी, हर गली में ना एक अंकल ऐसे रहते हैं जो ना किसी की कामयाबी से खुश नहीं है। हमारी गली के वो अंकल थे गुप्ता अंकल। तो जैसे हमारे मेरा एक दोस्त था, वो पायलट बन गया पायलट। तो उससे आके कह रहे हैं देखो इतना हवा में उड़ना अच्छा नहीं, जितना जल्दी जमीन पे आ जाओ उतना अच्छा है। उसकी दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट थी, उसने अहमदाबाद में लैंड करा दी। कह रहा अंकल आप खुश रहो, आपके चुल बहुत ज्यादा है। और मैम गुप्ता अंकल ना ऐसे पूरा दिन बालकनी में खड़े रहते हैं। सामने एक आंटी रहती है शोभा आंटी, ये पूरा दिन उन्हें चाय पर बुला रहे हैं, शोभा जी आओ कभी चाय पे। शोभा जी, शोभा 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 जी, शोभा जी आओ कभी, आओ कभी चाय पे। अंकल इतने भरे बैठे, मुझे लगता है किस दिन शोभा आंटी ने गलती से हाँ कर दी तो ये बालकनी से ही खींच लेंगे। कह रहे यहाँ बैठो तुम, बहुत देर कर दी आने में, चाय पियो, कहाँ थी है बच्चे। सर कई बार तो शोभा आंटी ने घबरा के पूछा ये चाय पर बुला रहा है या हवेली पर। और ये हर बार अलग बहाने से बुलाते हैं कि आ जाओ दूध उबल गया। एक दिन तो हद ही कर दी, कह रही शोभा जी आ जाओ, शोभा जी ने स्माइल पास की, इन्होंने चाय चढ़ा दी। एक दिन हमने अंकल को समझाया, हमने कहा अंकल जी अगर शोभा आंटी के हस्बैंड को पता लग गया। अच्छा आंटी का हस्बैंड भी है। वो आपकी ऐसी प्याली भरेंगे जिंदगी भर केतली गर्म नहीं हो पाएगी। तब जाके अंकल थोड़ा रुके। तो मैंने तब पूरा शेर लिखा था कि हर एक दिन के कर्म से पेड़ की बुनियाद बनती है, इरादे नेक हो तो जिंदगी फौलाद बनती है। क्या बात, कभी कभी इरादे नेक हो तो औलाद भी बनती है। उस पर भी आएंगे सर, आपका तजुर्बा ज्यादा लग रहा है। पर मैम आपने एक चीज देखी कि हिंदुस्तान में ना पीने वाले बहुत ज्यादा बदनाम है। क्योंकि हर परिवार में एक मामा थे जो पीकर बर्बाद हुए। हर परिवार में एक मामा थे और घर वाले आज तक उन्हीं का एग्जांपल दे रहे हैं। मैं मैम हल्का सा ऐसे यहाँ से ग्लास उठाता हूँ ना, मेरी मम्मी इधर से आ जाती है, कहती बताया था ना मामा बर्बाद हुए थे। वो करने ही नहीं दे रहे कभी भी। और मम्मी ने बताती भी ऐसी है कि बेटे तेरा मामा ना शराब को पानी समझता था। पानी, मैंने कहा कैसे? सुबह उठ के शराब से धो रहे थे। ये कौन सा बंदा था जो लोटा लेकर कह रहा था चीयर्स? सड़क पर कर रहा है तो उसे ऑन द रॉक्स कह रहा है। बॉटम्स अप की जगह बॉटम्स डाउन मार रहा है। तो मैंने मम्मी से पूछा कैसे, तो मम्मी कहती नहीं बेटे वो ना रोज पीता था, सुबह उठते ही गुटुर 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 गुटुर, फिर शाम में भी गुटुर 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 गुटुर, फिर रात में भी गुटुर गुटुर बुड़ुक। मैंने कहा ये बुड़ुक क्या? कहती बेटे वो पीते पीते नाली में गिर जाता। तो मैंने तब अगला शेर लिखा था कि शराब अपने ही अपने में कभी होती नहीं बर्बाद, किसी बर्बाद से मिलकर ही वो बर्बाद बनती है। बहुत अच्छे, वाह बहुत अच्छे, वाह
जिंदाबाद। बहुत अच्छे। मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान में ना हर कोई अपने हिसाब से ज्ञान दे रहा है। सबने देख रखा है, जैसे सर बॉलीवुड ने हमें शुरुआत से गुमराह किया। अच्छा। कोई भी रोमांटिक सीन आता था तो हीरो हीरोइन के ना चेहरे पर फूल आ जाते थे। और थोड़ी देर फूल करते थे, गुल्लू 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 गुल्लू, और फिर गुल्लू गुल्लू करने के बाद घर में एक छोटा मेहमान आ जाता था। सर मैं छोटा था तो मुझे लगता था फूलों के मिलने से ही बच्चे होते हैं। और मैम हम ना तीन भाई बहन थे, मुझे घर में और भीड़ नहीं चाहिए थी। तो मैंने डिसाइड किया मैं घर में और बच्चे नहीं होने दूंगा। मेरी बहन तो कह रही थी कि नहीं नहीं भैया लूडो खेलेंगे, एक और आने दो। मैंने कहा नाइफ। मैंने कहा तू दो गोटी से खेल लियो। बच्चा और नहीं आएगा इस घर में। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, छत पे जाके सारे पौधे अलग अलग रखे। मैंने कहा कोई सा फूल मिलने ना पाए। सब वो तो मुझे जिंदगी के कई सालों बाद पता लगा कि मैं छत पर फूल मिलने से रोक रहा था और कलियां कहीं और ही खिल रही थी। क्या बात है, जिंदाबाद, बहुत खूब। तो तब मैं शेखर सर की बात से जोड़कर अगला शेर कहता हूँ कि बताते हैं सभी कैसे भला इंसान बनना है, बताते ही नहीं कैसे भला औलाद बनती है। इरादे नेक हो तो जिंदगी औलाद बनती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। Rajat, you're so charming and that is why you have the star material, the star power. बहुत अच्छा। और ये star power हमको चाहिए। बिल्कुल। हमारे India's laughter champion। Thank you so much, man. Thank you so much. आज आप जितना चमक रहे हैं मुझे पूरी उम्मीद है, I hope and pray that you will chamkofy even more in the finals. Thank you. तुम साधारण प्रतिभा नहीं, एक तो तुम्हारी पर्सनालिटी जो है वो बहुत इंडियरिंग है। वो ये कि तुम्हारा जो एटीट्यूड है, जिस तरह से तुम खड़े होते हो, बोलते हो, इट्स वेरी लवेबल। तो मेरे लिए यू आर अ हीरो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया। जो इसने अंकल का जिक्र किया तो मुझे जब 15 साल पहले एक लड़की ने जब मुझे अंकल कहा, दिल दुखा। ओए, तब मुझे पता लगा कि किसी महिला को आंटी कहने पे कितना कष्ट होता होगा। दूसरा आपने कहा कि दिल्ली वाले उल्टे जवाब देते हैं। देखो लोग जवाब उल्टे देते हैं, लोगों के सवाल उल्टे होते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही घटना है जी, मैं दिल्ली में शॉपिंग मॉल में पत्नी को लेके गया तो एक दोस्त मिल गया। बोले हो भाभी जी को शॉपिंग कराने लाए हो? मैं कहा ना, पल्स पोलियो को ड्रॉप पिलवाऊंगा। Oh my God! Well done. Let's well give done. It up for Rajat Sood one more time. Oh, for a spectacular, very different, very engaging and intelligent performance. Thank you so much. आप comedy की hope और laughter की तोप। Fantastic. Congratulations, Rajat Sood. Thank you. Thank you well so much. Done.